हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका क्रिएशन एंड फैशन पर। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्लीव का बेहद ही खूबसूरत डिजाइन। इसके लिए देखिए, हमने अपनी स्लीव को बीच में से कट कर लिया है और अब हम इस पर ये 2.5 इंच की पट्टी सिलाई करेंगे, जो कि सिलने के बाद 2 इंच की रह जाएगी नीचे की तरफ से। तो चलिए अब हम डिजाइन के लिए इस पर निशान लगाते हैं। जो हमने यहाँ पर बीच में से कट किया है वहां पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि 2.5 इंच पर हमारी पट्टी है। तो 1/2 इंच थोड़ा इसके ऊपर की तरफ से यहाँ पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ अगर आप चाहो तो 2 इंच पर निशान लगा सकते हो, 2.5 इंच पर या 3 इंच पर। तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी 3-3 इंच का निशान लगा लिया है। देखिए यहाँ ऊपर की तरफ भी मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम इस पर 1/2 इंच का गैप देते हुए दोनों तरफ सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हम नीचे की तरफ की सिलाई हो जाने के बाद हम ऊपर की तरफ भी इसी तरह से 1/2 इंच का गैप देते हुए सिलाई करेंगे। आप इसको डबल भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर डबल सिलाई कीजिए ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए। इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए आप अपनी स्लीव की जितनी कटिंग करते हैं उसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि ये डिजाइन में लग जाएगा 1/2 इंच। तो देखिए यहाँ से अब हम इसको सीधा करेंगे, इस तरह से हम इसको पलट कर यहाँ से देखिए इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल पतला पतला हमें यहाँ से मोड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक साइड हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई लगकर तैयार है। अब हम इस पर अपनी पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी अटैच करने के लिए हम इसको उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर एक पैर का गैप देते हुए या 1/2 इंच का गैप देते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर उल्टी तरफ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ताकि हमने जो पहले सिलाई लगाई है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको सीधी तरफ करके यहाँ पर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये पट्टी बड़ी ही आसानी से और बिल्कुल ही क्लीन लग चुकी है। देखिए अब हम यहाँ पर जो हमने बीच में डिजाइन बनाया था इस पर 3.5-3 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी। ऊपर की तरफ से भी यहाँ से लगाना है, जहाँ से तक हमने कट लगाया था वहाँ से लेकर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी पट्टी से लेकर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस पर हम फैब्रिक बटन लगाएंगे। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से हमारा बेहद ही खूबसूरत स्लीव का डिजाइन बनकर तैयार है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।